हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम आपको फोटोशॉप को स्टार्ट करवा रहे हैं या फोटोशॉप से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं स्टूडेंट फोटोशॉप के बारे में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, फोटोशॉप के लिए हमने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके रखी है। ध्यान से देखो, फोटोशॉप 7.0 स्टूडेंट्स, यह मैं आपको फोटोशॉप 7.0 पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट, आप इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी फोटोशॉप क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे। स्टूडेंट, सभी में सारे फोटोशॉप में सारे वही टूल्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट, काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का ये आपका फोटोशॉप 7.0 आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको आप भी इतना ज़्यादा पॉपुलर स्टूडेंट्स की इस पर बहुत सारे काम किए जाते हैं। सो स्टूडेंट, यदि आप ये पढ़ लेते हो तो आप कोई भी फोटोशॉप क्या कर सकते हो, फोटोशॉप का कोई भी वर्जन आप कर पाओगे। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट बताया गया है एडोब फोटोशॉप। पहले यहाँ पे एडोब फोटोशॉप, सबसे पहले तो देखो एडोब फोटोशॉप। अब एडोब फोटोशॉप का क्या मतलब है, फोटोशॉप तो सॉफ्टवेयर है लेकिन एडोब क्या है, तो एडोब एक कंपनी स्टूडेंट्स जो फोटोशॉप को क्या करती हैं, बनाती हैं, इनके वर्जन को तैयार करते हैं, ठीक है। तो एडोब कंपनी के द्वारा ही फोटोशॉप को बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, एडोब फोटोशॉप। जैसे आप पढ़ते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों बोलते हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और वर्ड को उसने बनाया है। सो इसी प्रकार से स्टूडेंट, एडोब एक कंपनी है जो फोटोशॉप को बनाई है, इसीलिए इसका नाम एडोब फोटोशॉप है। और एमएस वर्ड को पढ़ते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हो, क्योंकि उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। सो आई होप स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे नीचे देखो, एडोब फोटोशॉप इज द राष्ट्रा ग्राफिक्स। स्टूडेंट्स, फोटोशॉप जो है वह कौन सा ग्राफिक होता है, राष्ट्रा ग्राफिक्स होता है। तो ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग बता दो स्टूडेंट, तो ग्राफिक दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर और राष्ट्रा ग्राफिक, ठीक है। तो फोटोशॉप कौन सा ग्राफिक है, एक राष्ट्रा ग्राफिक है, ठीक है, कौन सा ग्राफिक है, राष्ट्रा ग्राफिक। डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाई एडोब, ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है और पब्लिश किया गया है, एडोब कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और इसको पब्लिश किया गया है, ठीक है। फॉर विंडोज एंड मैक ओएस, ठीक है, विंडोज का मतलब क्या है, जीवाई ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, एक्सपी, सभी में आप इसको चला सकते हो। एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, और ये भी एक ओएस है स्टूडेंट। ओएस मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, और विंडो का मतलब विंडो 7, एक्सपी, 10, जो भी है उन पे सभी पे आप फोटोशॉप को रन कर सकते हो। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1988 बाय द थॉमस जॉन कॉनॉल, ठीक है। इसको जो डेवलप किया गया था ओरिजिन, इसको जो बनाया गया था स्टूडेंट 1988 ईस्वी में थॉमस जॉन कॉनॉल के द्वारा बनाया गया था 1988 ईस्वी में। स्टूडेंट, रिलीज डेट कब रिलीज हुआ, मार्केट में कब आया, लोग कब समझ पाए इसे, 19 फरवरी 1990 को ये क्या हुआ, मार्केट में लॉन्च हो गया था, ठीक है, रिलीज कर दिया गया था। डेवलप्ड बाई एडोब कंपनी, किसके द्वारा बनाया गया है, एडोब कंपनी के द्वारा ये सॉफ्टवेयर आपका क्या किया गया है, बनाया गया है फोटोशॉप, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आगे दिया है यहाँ पे, एडोब 7.0 रिलीज डेट मार्च 2002, मैक एंड विंडोज, ठीक है। ये देखो अभी इसी फोटोशॉप 7 को ध्यान से देखो, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप 7.0 ये क्या है, एक वर्जन है स्टूडेंट फोटोशॉप का, और ये कब रिलीज हुआ था, यहाँ पे मार्च 2002 में। इसके लिए बनाया गया था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और किसके लिए, विंडो के लिए, यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ये चल जाता है और विंडो के ऊपर भी चल जाता है। ये कब बनाया गया था, 2002 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। नीचे बताया है ऑल वर्जन ऑफ फोटोशॉप, नीचे बताया गया है ऑल वर्जन ऑफ फोटोशॉप, फोटोशॉप के सभी वर्जन जो प्रयोग में लाए गए हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से सन में सभी प्रयोग में कब लाए गए हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनको सभी को, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप 7.0 कब रिलीज डेट है इसका, मार्च 2002 में रिलीज हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, एडोब फोटोशॉप CS2
आता है, ठीक है। रिलीज डेट अप्रैल 2005, 2005 में रिलीज हुआ, ठीक है। ये इससे अपडेटेड वर्जन आया, एडोब फोटोशॉप CS3, ठीक है। एक अब हुआ आपका, इसका डेट है अप्रैल 2007, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से अगला जो आपका वर्जन आया एडोब फोटोशॉप CS4, ये आया 15 अक्टूबर 2008 को। और नेक्स्ट आया यहाँ पे एडोब फोटोशॉप CS5, रिलीज डेट है अप्रैल 2010 में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट आया एडोब फोटोशॉप CS6, 7 मई 2012, यानी 7 मई 2012 को आया। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, और लास्ट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटोशॉप CC, रिलीज डेट 15 अक्टूबर 2018 में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे फोटोशॉप के वर्जन है, आप कोई भी पढ़ोगे तो सभी में डिजाइन कर पाओगे स्टूडेंट। अगर आप अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो सबसे पहले फोटोशॉप 7 को सीख लीजिए। ये सीखने के बाद आप 99% फोटोशॉप सीख जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। कुछ नई चीज़ें होंगी जो इनमें आई होंगी थोड़ी बहुत, तो वो भी चीज़ें मैं आपको किसी एक दिन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करके मैं सभी के बारे में बता दूंगा। तो स्टूडेंट मैं जो वीडियोज आप लोगों को यहाँ पे दूंगा, इसमें से एडोब 7.0 वाले वर्जन को पढ़ा के ही आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसको पढ़ने से आप कोई भी फोटोशॉप कर पाओगे स्टूडेंट, ठीक है। आइए नीचे देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप, फोटोशॉप की अगर एक्सटेंशन पूछा जाए तो क्या बताओगे? .psd, क्या होता है .psd? PSD का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PS का मतलब फोटोशॉप हो गया, और D फॉर क्या होता है? डॉक्यूमेंट। तो अगर कभी भी फोटोशॉप का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, यहाँ पे एक्सटेंशन पूछी जाए, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट आप? यहाँ पे .psd बताएंगे, और PSD का पूरा नाम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। नीचे दिया है टाइप ऑफ ग्राफिक्स, ग्राफिक कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्राफिक कितने टाइप के होते हैं? ग्राफिक्स इज टू टाइप्स, दो प्रकार के ग्राफिक्स होते हैं, एक को वेक्टर ग्राफिक्स बोला जाता है और दूसरे को रास्टर ग्राफिक, ठीक है। तो फोटोशॉप कौन सा ग्राफिक है आपका? रास्टर ग्राफिक है। नीचे दिया स्टूडेंट एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर ग्राफिक, वेक्टर ग्राफिक के कुछ उदाहरण, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसकी जूमिंग कर देता हूँ जिससे कि आपको नजर आएगा। ओके, फ्लैश, फ्लैश का पूरा नाम यहाँ पे माइक्रोमीडिया फ्लैश या एडो फ्लैश भी होता है। फ्लैश की एक्सटेंशन क्या होती है? .FL। कौन सा ग्राफिक है ये आपका? वेक्टर ग्राफिक। इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन क्या होगी? .AU। और कौन सा ग्राफिक है आपका यहाँ पे? वेक्टर। इसी तरह से कोरल ड्रा का नाम भी आपने सुना होगा, कोरल ड्रा की एक्सटेंशन .CDR होती है। और ये कौन सा ग्राफिक है आपका स्टूडेंट? वेक्टर ग्राफिक है। इसी तरीके से नीचे आ जाओ तो एग्जाम्पल ऑफ रास्टर ग्राफिक, ठीक है। रास्टर ग्राफिक के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक है, पेंट भी एक रास्टर ग्राफिक है। फोटोशॉप की अगर एक्सटेंशन पूछी जाएगी तो .psd, और MS पेंट की एक्सटेंशन पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे? .bmp होता है। स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने आपको आज यहाँ पे फोटोशॉप का ओवरव्यू बताया, यानी फोटोशॉप के बारे में मैंने आपको बताया, आपको सारी नॉलेज जो फोटोशॉप स्टार्ट करने के लिए चाहिए थी मैंने इस वीडियो में, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं कहूँ स्टूडेंट यहाँ पे कि हाउ टू स्टार्ट फोटोशॉप, जैसे हम कहें कि फोटोशॉप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट यहाँ पे फोटोशॉप, ठीक है, क्या फोटोशॉप, ध्यान से देखो अभी फोटोशॉप को कैसे स्टार्ट करें, इसके कहने का मतलब क्या है, फोटोशॉप को कैसे स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स फोटोशॉप को स्टार्ट करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अभी क्या करना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से देखिए। आप आ जाओ अपने डेस्कटॉप के ऊपर स्टूडेंट, और क्या करो स्टूडेंट आप यहाँ पे विंडोज को दबा के आर बटन को दबाओ। तो विंडोज को दबाने के लिए विंडोज को दबाया और आर बटन को दबाऊंगा, इससे क्या खुलता है आपको पता ही है, विंडोज आर से। मैंने कई सारे वीडियोज में आपको पहले भी बता रखा है, विंडोज आर दबाने से स्टूडेंट आपका रन डायलॉग बॉक्स ऐसे ओपन होता है, आपको इसमें सही सही फोटो ऐसे और शॉप लिख देना है। देखो फोटोशॉप की स्पेलिंग पहले PHOTO फोटो, और इसके बाद शॉप की स्पेलिंग SHOP शॉप, इसके बाद ओके वाली इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप ध्यान से देखो फोटोशॉप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 7.0, देखो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो फोटोशॉप 7.0 आपका स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, यही है स्टूडेंट फोटोशॉप, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम फोटोशॉप का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए।
ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीच चैनल्स की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।